हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका लेक्चर संदेश यादव के इस चैनल में। हाँ, तो आज हम आपको अवकलन बताने वाले हैं। फिर से हम आपके साथ मिले एक नए वीडियो के साथ, वो भी अवकलन का। मैं कुछ उदाहरण में अवकलन आपको बता चुकी हूँ, तो चलिए आज मैं आपको प्रश्नावली बताऊंगी, क्योंकि प्रश्नावली में जो दिया है वैसे तो मैं आपको बहुत क्वेश्चन बता चुकी हूँ। चलिए फिर से अब प्रश्नावली हल करते हैं। तो चलिए 5.5 कौन सा प्रश्नावली, यानी 5 चैप्टर का प्रश्नावली 5.2 आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न 1 से 8 में यक्ष के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों का अवकलन, यानी dy/dx ज्ञात कीजिए। यानी x के सापेक्ष कह रहा है ना, जब अवकलन कह रहा है यानी dy/dx ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, sin x² + 5, यानी sin x² + 5 दिया है। तो चलिए हल करते हैं इसको, सवाल को। तो चलिए तो बताना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल दिया है कि sin x² + 5, क्या दिया है, sin x² + 5, तो दिया है यानी sin x² + 5। कौन सा प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली 5.2, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें, dy/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है, dy/dx ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो चलिए sin x² + 5 दिया है, तो सबसे पहले माना y बराबर sin x² + 5 अवकलन करेंगे। तो मान लीजिए ऐसे दिया है, तो y सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, तभी dy/dx ज्ञात होगा। x के सापेक्ष कह रहा है तो अवकलन करने के लिए कह रहा है, तो यानी dy/dx, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx y वैसे ही रह जाएगा, फिर dy/dx sin x² + 5, ठीक है। क्या दिया है, sin x² + 5, तो y का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा dy/dx, और dy/dx sin x² + 5, यानी sin x का अवकलन क्या बताएं आपको, sin x का अवकलन आपको पता होगा कि sin x का अवकलन क्या का होता है, cos x, यानी dy/dx, और sin x का अवकलन क्या होता है, तो cos x, क्या होता है, cos x होता है, आपको बता भी चुके हैं। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि हर चीज में, हर सवाल में हर फॉर्मूला यही हल लगेगा, फॉर्मूला लगेगा तभी सवाल हल होगा। dy/dx sin x, यानी sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, और x की जगह पे क्या है, पूरा x² + 5, तो क्या लिखेंगे, x² + 5, ठीक। अब dy/dx कर देते हैं, dy/dx अब x का करेंगे ना, पूरा x का, यानी पूरा x हमने क्या माना है, x² + 5, इसको हम कह रहे थे ना x पूरा मान के चलेंगे, तो आसानी से हल होगा। जैसे sin x, यानी sin x का अवकलन cos x, और dy/dx अब पूरा को x वाला, मतलब x² + 5 का अवकलन करेंगे, तो dy/dx कर लेते हैं बराबर cos x और x² + 5। अब dy/dx याद करना है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, dy/dx इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, dy/dx x² + dy/dx 5, ठीक है। अब हो जाएगा dy/dx बराबर cos x² + 5 गुणे x² यानी घात पहले आ जाएगा, क्या होगा, 2 और x पे 2 - 1, ठीक है, घात पहले आ जाएगा और x वैसे रहेगा और घात में से 1 घट जाएगा, ठीक है। फिर प्लस dy/dx है, x यानी 5 है, dy/dx 5, dy/dx यानी किसी भी अचर पद का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, आपको बता चुके हैं, ठीक है। dy/dx
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस पाँच और गुणे दो और एक्स, और दो में से एक जगह एक हो जाएगा यानी एक्स पे एक घात का मतलब एक्स ही होता है, और इसमें दो जीरो जोड़ेंगे तो दो एक्स ही होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर दो एक्स का गुणा कर देंगे, दो एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस पाँच, ठीक है। तो यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात हो चुका है, यानी पहले का आंसर क्या होगा, दो एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस पाँच, पहला सवाल हल हो चुका है। तो चलिए दूसरा सवाल भी बताते हैं आपको। दूसरा सवाल क्या दिया है, कॉस और कोष्टक में साइन एक्स, क्या दिया है, कॉस और कोष्टक में साइन एक्स। चलिए दूसरा सवाल भी हल कर लेते हैं, कॉस साइन एक्स, इसमें भी क्या ज्ञात करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स, क्या ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए हल करते हैं, सबसे पहले तो माना मानेंगे, माना y बराबर cos sin x यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो चलिए अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई, फिर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कास है कास और ब्रैकेट में साइन एक्स यानी कोष्टक में साइन एक्स, ठीक है। तो वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स होगा बराबर, यानी कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का हम आपको फॉर्मूला क्या बताए हैं, कॉस एक्स का अवकलन क्या बताए हैं, जब डी बाई डी एक्स हो तो, डी बाई डी एक्स हो और कॉस एक्स हो तो यानी माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स फॉर्मूला है, आपको हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूला। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स है, तो कॉस और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन वैसे ही रहेगा और एक्स की जगह यानी साइन एक्स है, ठीक है। फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स यानी एक्स का, यानी एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है। तो अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स अब गुड़े, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ लिखे हैं, देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का यानी कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का हो गया, अब क्या होगा, एक्स का फॉर्मूला है, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं चलिए डी बाई डी एक्स और एक्स यानी एक्स का लिख देते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स गुड़े कॉस एक्स वैसे ही होगा और एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स का एक में गुणा होगा कॉस एक्स होगा तो यानी माइनस कॉस एक्स और साइन इंटू साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, कॉस एक्स का एक्स में एक में गुणा होगा तो कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का फिर इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स होगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स हमारा ज्ञात हो चुका है। चलिए तो तीसरा सवाल हम आपको बताते हैं, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया है, साइन और कोष्टक में ए एक्स प्लस बी, क्या हुआ है, क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, तीसरा सवाल क्या दिया, साइन ए एक्स प्लस बी, क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो चलिए इसको भी सबसे पहले माना मानते हैं, माना वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा d बाई डी एक्स, y वैसे ही रहेगा d बाई डी एक्स और फिर साइन और कोष्टक में ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो dy वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन यानी dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर d बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, यानी कॉस वैसे ही रहेगा और एक्स ए एक्स प्लस बी है, कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर डी बाई डी एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स तो कॉस ए एक्स प्लस बी वैसे ही लिखेंगे, फिर इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, ए एक्स और प्लस डी एक्स बाई बी, ठीक है, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स और कॉस ए एक्स प्लस बी वैसे ही रहेगा। फिर डी वाई डी एक्स ए एक्स है, ए वैसे ही रह जाएगा और एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, ठीक है, और बी है, बी का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, बी का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसके साथ एक्स वाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसके सापेक्ष हो रहा है, यानी इसका अवकलन बी का हो जाएगा जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए का एक में गुणा करेंगे ए, और ए में जीरो जोड़ेंगे तो ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि ए में जब जीरो जोड़ेंगे तो जीरो किसी भी चीज में जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो ए में एक का गुणा होगा एक और ए में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो। तो क्या हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। चलिए तो अब चौथा सवाल लगाते हैं, चलिए चौथा सवाल क्या दे रहा है देखिए, देखते हैं चौथा सवाल क्या है दिया है। सेक और कोष्टक में टेन करड़ी में एक्स, क्या दिया है सेक और कोष्टक में टेन करड़ी में एक्स। चलिए तो चौथा सवाल को हल करते हैं, चौथा सवाल दिया है सेक कोष्टक में टेन करड़ी में एक्स, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है dy बाई dx, ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले माना मानेंगे, माना माना वाई बराबर सेक कोष्टक में टेन करड़ी में एक्स। तो क्या करेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, वाई वैसे ही रहेगा क्योंकि वाई का अवकलन करना है, तो अभी तो दर्शा रहे हैं डी वाई डी एक्स सेक कोष्टक में टैन करड़ी में एक्स, क्या होता है तो वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब सेक एक्स का, सेक एक्स का हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, सेक एक्स का क्या होता है अगर डी बाई डी एक्स करना हो तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल क्या होता है फॉर्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सवाल के साथ साथ हम आपको फॉर्मूला का भी जिक्र कर रहे हैं आपके साथ और फॉर्मूला सामने लिख भी दे रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगी। तो सेक टेन एक्स यानी सेक, सेक एक्स का क्या होता है अवकलन सेक एक्स, एक्स की जगह टेन करड़ी में एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन और एक्स की जगह टेन करड़ी में एक्स है, ठीक। तो अब डी बाई डी एक्स करेंगे, अब डी बाई डी एक्स यानी टेन करड़ी में एक्स का भी तो अवकलन करना है ना, एक्स जो हम कह रहे हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स सेक टेन एक्स, सेक टेन और करड़ी में एक्स वैसे ही रहेगा इंटू टेन और टेन करड़ी में एक्स वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा डी बाई डी एक्स यानी टेन एक्स का अवकलन क्या होता है टेन एक्स का अवकलन, यानी जब डी बाई डी एक्स करना हो और टेन एक्स का हो तो टेन एक्स का, ठीक, बराबर टेन एक्स हो तो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला सामने लिख दे रहे हैं
ठीक। तो चलिए 10x का अवकलन sec स्क्वायर x। अब 10 और x का तो अवकलन हो चुका sec स्क्वायर x। अब करड़ी में x यानी x का अवकलन भी तो होगा, करड़ी में x है dy dx वैसे ही लिखेंगे और करड़ी में x, ठीक है। तो dy by dx sec कोष्टक में 10 करड़ी में x इंटू 10 कोष्टक में 10 करड़ी में x फिर इंटू sec स्क्वायर करड़ी में x। अब गुड़े करड़ी में x का अवकलन करते हैं तो कितना होता है, 1/2 करड़ी में y, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिख दे रहा है d by dx करड़ी में x यानी d by dx करड़ी में x का अवकलन 1/2 करड़ी में x होता है, यहाँ लिख दे रहा है। आपको ध्यान देना जरूरी है, सूत्र भी सूत्र पता रहेगा तभी सवाल हल होगा। तो अब dy by dx वैसे ही रहेगा sec 10 करड़ी में x इंटू 10 कोष्टक में 10 करड़ी में x फिर sec स्क्वायर करड़ी में x का 1 में गुणा होगा तो sec स्क्वायर करड़ी में x होगा और बट्टे में 2 है तो पूरे के बट्टे 2 करड़ी में x हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा का सवाल का भी dy by dx ज्ञात हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो जिसको फॉर्मूला नहीं पता है फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं और याद कर सकते हैं क्योंकि सब फॉर्मूले पे ही आधारित है सवाल। जब फॉर्मूला याद रहेगा तभी सवाल हल होगा, ठीक है। तो धन्यवाद।